सो गाइज एपिसोड 5th है आज कंप्यूटर ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का एपिसोड 5th है आज। और आज हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है हम आज पे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का जो इतिहास क्या रहा है हम उसको समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए इसको बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह जैसा कि हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो चलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जिस बुक से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, आज ये 5वां एपिसोड है, ठीक है, पिछले 4 एपिसोड बना कर आया हूँ, 5वां एपिसोड है ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का। और मैं आपको बता दूँ ये बुक को यदि आपको परचेज करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी डिटेल के लिए। आप इस फॉर्म को फिल कर दें और आपको ये बुक मिल जाएगी जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे हम स्टार्ट करें। उससे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वार्निंग दे दूँ। अभी वार्निंग ये है कि कंप्यूटर का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी कुछ डेटा जो है, बहुत ज़्यादा डेटा जो है आपको गलत मिलेगा गूगल पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिसर्च का काम है कि मतलब कंप्यूटर का जो इतिहास रहा है ना, मैं आपको देखूंगा आप कोई बुक में कुछ देता है कोई बुक में कुछ देता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन आते हैं ना कभी एग्जाम में आते हैं तो ज़्यादातर हिस्ट्री से आते ही नहीं, मतलब बहुत ही हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं ना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं आता है कि ऐसा हो, क्योंकि इस कंप्यूटर के इतिहास के लिए आप देखोगे तो 75 आपको ऐसे मिल जाएंगे गलत डेटा जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। यानी कंप्यूटर का इतिहास जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है रिसर्च करना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारे स्रोतों से रिसर्च करके एकदम एक्यूरेट डेटा देने की कोशिश की है। यदि उसके बाद भी कुछ गड़बड़ यदि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए दुनिया में आया था अपेकस कंप्यूटर के लिए। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड जब फर्स्ट पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि कंप्यूटर वो नहीं है कि जो इनपुट ले और आउटपुट आपको प्रदान कर दे वो कंप्यूटर है, नहीं, कंप्यूटर वो है जो आपको गणना कर दे, जो गणना करने के में सहायता करे उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। तो इसी के क्रम में सबसे पहले जो है जो आविष्कार हुआ था जिस कंप्यूटर का, उसका नाम था अबेकस, ठीक है। ये हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है कंप्यूटर का, वो 4000 साल पुराना है, 4000 साल, इमेजिन कर सकते हो, बिफोर ऑफ क्रिस्ट यानी कि BC यानी कि करीब करीब 4000 साल, यानी कि आप ऐसे मान सकते हो जैसे 2000 ये चल रही है, 2000 ऐसे मान सकते हो कि 2000 ईसा पूर्व यानी कि 2000 बिफोर ऑफ क्रिस्ट ये जो है अबेकस आया था। तो अबेकस में क्या होता था, द हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अबेकस। हिस्ट्री जो कंप्यूटर की है वो अबेकस से स्टार्ट होती है, विच इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर माना जाता है। इट इज सैड दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस, चाइनीज यानी कि चाइना वालों ने सबसे पहले जो है अबेकस का आविष्कार किया था, ठीक है, चाइना वालों ने। अच्छा, चाइना वालों ने और क्या क्या किया है, चाइना वालों ने सबसे पहले बारूद का भी आविष्कार किया, ये भी याद रखना। चलिए अबेकस का यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दुनिया में कोई कंप्यूटर आया तो वो अबेकस था। इट वॉज ए वुडन रैक, ये आप देख सकते हो आपके सामने चित्र भी है कि ये लकड़ी का एक तरीके से रैक जैसा होता था, विच हैज मेटल रॉड, जिसमें धातु की जो है राडें लगी होती थी, ठीक है, विथ बीड्स। बीड्स क्या है, बीड्स ये है जो गोली जैसी रखी हुई है, ये बीड्स हैं। द बीड्स वर मूव्ड बाई द अबेकस। अब देखो अबेकस मुझे चलाना नहीं आता है, बात साफ सीधी, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब ये नहीं कि मैं आपको अबेकस बताऊंगा तो ये मुझे नहीं पता। तो द बीड्स वर मूव्ड बाई द अबेकस, ये जो बीड्स है ना इससे कुछ कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है, ऊपर नीचे कर करा के। हालांकि आप देखते होंगे जो छोटे क्लासेस होती हैं उनमें देखते होंगे तो अबेकस आज भी आपको देखने को मिल जाता है, तो कभी मिले तो चला के देखिएगा कैसे होता है। तो इन्वेंटर, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अबेकस का इन्वेंटर कौन था, तो गूगल करोगे तो आपको मिलेगा टिम क्रैनर, लेकिन कई बार एग्जाम में देखा कि जाता है कि ली काई चैन भी आ जाता है, तो आपको ली काई चैन मिल जाए या फिर टिम क्रैनर मिल जाए, कोई मिल जाए ठोक देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूँ, कंप्यूटर का जो इतिहास है मैंने यहाँ पे जो है बिल्कुल पीछे से स्टार्ट किया है और बिल्कुल अभी तक आऊंगा आज के टाइम तक, ठीक है। तो सबसे पहले अबेकस बना था, अबेकस के बाद आया था, बिल्कुल एकदम सीरियल से है। और आपको यदि बुक ये परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फॉर्म को फिल करो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको ऐसा हिस्ट्री कहीं मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए दुनिया में आया था अबेकस, अबेकस के बाद आया था नेपियर्स बॉन्स, जैसा कि यहाँ से लग ही रहा है कि नेपियर्स बॉन्स यानी कि हड्डियों का कुछ। तो इट वॉज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये मतलब जब तक आप इसमें कुछ करोगे नहीं, मतलब मैनुअली आदमियों के द्वारा चलाया जाता था, मैनुअली का मतलब ये होता है कि जैसा आप करोगे वैसे ही चलेगा, ऑपरेटेड मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी नेपियर्स बोन्स, ये आई थी अबेकस के बाद। विच वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन नेपियर,
देखिए नेपियर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, जॉन नेपियर बनाने वाले का नाम था, इन्वेंट की गई थी, इसका आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था 1550 से 1617 के बीच तरफ, ठीक है। ये नाम दरअसल पूछा जाता है कि किसने बनाया था, और मैनुअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये भी याद रखना। ओप मर्चेंस्टन, तो मर्चेंस्टन कोई जगह होगी वहाँ का जो है, जॉन नेपियर ने बनाई थी। इन दिस कैलकुलेटिंग टूल ही यूज्ड 9 डिफरेंट इन इवोरी स्ट्रिप्स, ये जो है 9 अलग अलग तरह के इवोरी स्ट्रिप्स का इसमें यूज किया गया था। देखिए जो इसमें मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं इसमें अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि यहाँ क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। आर बॉन्ड मार्क्ड विद नंबर टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि गुणा और भाग के लिए, ठीक है। सो द टूल बीकेम नोन एज नेपियर्स बोन्स, नेपियर्स बोन्स इसको कहा जाता है इस यंत्र को। ये कैलकुलेटर की तरह काम करता था, इसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो कैलकुलेटिंग करता है वो कंप्यूटर है, जरूरी नहीं कि वही धुड़ंतुड़ वाला कंप्यूटर होता है। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट, खास बात यहाँ पे ध्यान रखी जाए, ये पहली ऐसी मशीन थी दुनिया में जो दशमलव को भी काउंट कर लेती थी। क्या तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है कि दशमलव में काउंट करने वाली पहली मशीन कौन सी थी, तो नेपियर्स बोन्स। देखिए जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, आप बाद में समझते रहिएगा, ठीक है। अब ये बात बढ़ते हैं, नेपियर बोन के बाद आता है पास्कलिन, पास्कलिन कह रहा है, तो पास्कलिन इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन आर एडिंग मशीन। पास्कलिन का दूसरा नाम यहाँ पे अर्थमेटिक मशीन, या हम एडिंग मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक यानी कि अंक गणितीय काम हो जाते थे, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, पास्कलिन में अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसको हम चूंकि इसमें अर्थमेटिक मशीन थी तो इसलिए हम इसको एडिंग मशीन भी कहते थे, कह सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644, ये 1642 और 1644 की तरफ इन्वेंट की गई थी। इसमें कोई पूछता नहीं कि कब इन्वेंट की गई थी, बस ऐसे आप एक तरीके से याद कर लीजिएगा, इतना कोई नहीं। बाई ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रांस के जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और क्या क्या थे, हाँ फिलोसफर भी थे, बाइस पास्कल, तो जिसने आविष्कार किया उसी का नाम था बाइस पास्कल, ठीक है, बियास पता नहीं क्या नाम है, बियास पास्कल, ठीक है। तो इसको पास्कल के द्वारा किया गया था आविष्कार, इसलिए इसका नाम पास्कलिन इस मशीन का रखा गया। इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, ये पहला फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पास्कलिन था, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो इंपॉर्टेंट है उसके नीचे लाइन में कर दे रहा हूँ। पास्कल देखिए ऐसी दिखती थी, देख लियो, पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर, पास्कल जो है ये मशीन इसलिए इन्वेंट की गई थी, मतलब फादर को हेल्प करने के लिए, टैक्स मतलब काउंट करने के लिए, इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सिर्फ जो है अर्थमेटिक, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अर्थमेटिक मशीन थी, तो अर्थमेटिक मशीन में दो काम कर पाती थी, जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट वॉज ए वुडन बॉक्स, ये एक लकड़ी का डिब्बा रहा है, विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स, इसमें पहिए और गियर लगे रखे रहे हैं। व्हेन ए व्हील इज रोटेटेड वन रिवॉल्यूशन इट रोटेट्स द नेबरिंग व्हील्स, जब इसके पहिए तरफ घुमाए घूमे के कुछ इसमें किया जाता होगा उसी से जो है कैलकुलेशन करती होगी, हालांकि मुझे नहीं पता। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्टेप्ड रेक ओनर आर लिपनिज व्हील, ये भी एक तरह का कंप्यूटर था, ठीक है, इसका नाम स्टेप्ड रेकनोर और लिपनिज व्हील। इट वॉज डेवलप्ड बाई अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्राइड वेलम लिपनिज इन 1673, 1673 में, इतना लंबा नाम है, गॉटफ्राइड विलियम लिपनिज, ठीक है, तो ये आप देख लो, तो इनके द्वारा आविष्कार किया गया था 1673 में, ठीक है। देखिए सारे क्रम से हैं, ठीक है, कोई भी ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया हो, तो सबसे पहले पास्कलिन आया, पास्कलिन के बाद स्टेपेड ये लिपनिज वेल आया, बिल आया। ही इम्प्रूव्ड पास्कल्स इन्वेंशन, इन्होंने जो है पास्कल की जो इन्वेंशन थी उसको डेवलप किया, इस मशीन को इम्प्रूव किया, कुछ सुधार किया पास्कल की मशीन में, मतलब उनकी मशीन में नहीं किया, मतलब उससे कुछ अच्छा मतलब इन्होंने किया, इम्प्रूवमेंट करके पेश किया, एक नई कंप्यूटर बनाया। इट वॉज ए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, ध्यान दिया जाए ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। विच वॉज कॉल्ड द स्टेप्ड रेकनर एज इंस्टेड ऑफ गियर्स, इट वॉज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स, ये जो है फ्लूटेड ड्रम्स का बना हुआ था, ठीक है। सी द फॉलोइंग इमेज,
तो ये देख लो ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे गियर नहीं थे, ठीक है, गियर की जगह पर फ्लूटेड ड्रम्स थे, जबकि पास्कल में क्या थे, पास्कल में गियर एंड व्हील्स थे, जबकि इन्होंने फ्लूटेड ड्रम्स का उपयोग किया, इसलिए इन्होंने कहा है कि हमने इम्प्रूव किया है पास्कल की इन्वेंशन में। चलिए इतना निपट गया भाई। 1801 में जब हम आए तो यहाँ पे देखा गया कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड एक वीवर था, जुलाहा, ठीक है, जो कपड़े बुनते हैं, एंड बिजनेसमैन फ्रॉम फ्रांस, डिवाइस्ड अ लूम दैट एम्प्लॉयड पंच्ड वुडन कार्ड टू ऑटोमेटिकली वीव वीव क्लॉथ डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए जोसेफ मैरी जैकवार्ड थे, एक वीवर और जुलाए जो बिजनेसमैन थे फ्रांस के। तब देखिए 1801 की बात है, तब चल रहा था, मतलब एक तरीके से आधुनिक, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस समय आया था 1800 तरफ, आधुनिक क्रांति, तब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वाटर लूम, सिलाई मशीन, ये सब चीज़ें सब तब एकदम, मतलब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, तो उसी का ही असर था। तो ठीक है, तो जोसेफ, हाँ, कहाँ बात चल रही थी, 1801 में आया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड वीवर, मतलब एक जुला और बिजनेसमैन फ्रांस का, डिवाइस्ड अ लूम, एक लूम का बनाया, दैट एम्प्लॉयड पंच्ड वुडन कार्ड, ये पंच्ड वुडन कार्ड का बना हुआ था, पंच्ड वुडन कार्ड की इसमें हेल्प ली गई थी। पंच्ड वुडन कार्ड क्या होता है कि एक तरीके की मेमोरी होती है जिसमें पंच कर करके वो मेमोरी को बनाया जाता है, हालांकि पता नहीं कैसे मतलब काम करती होगी, तो पंच वुडन कार्ड एक मेमोरी होती है, ठीक है, वो जो है ऑटोमेटिकली जो उनके डिजाइन कपड़ों की होती थी उनको तैयार करती थी, ठीक है, ये जुलाओं के लिए कामगर मशीन थी 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा बनाई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम आ चुके हैं 1820 में, 1820 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर आप मान सकते हो, कंप्यूटर यहाँ पे लगभग सभी हैं, ठीक है, और तो फिर आविष्कार हुआ डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन क्या था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ 1820 में, इसका डिजाइन, इट वॉज डिजाइंड बाई चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था 1820 में डिफरेंस इंजन का। चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। 1820 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, और इट वॉज ए मैकेनिकल कंप्यूटर, ये जो था मैकेनिकल कंप्यूटर था, विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, जो साधारण कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये भाप से चलता था, किससे चलता था, स्टीम, भाप से। कैलकुलेटिंग मशीन डिवाइस टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथम टेबल्स, तो यहाँ पे जो है ये लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम टेबल्स कर लेता था, जैसे नहीं आप देखते होंगे कि जो सवाल होते हैं टाइप के कि लॉग 10 का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू, लॉग 3 का वैल्यू, इस तरह की जो वैल्यू होती हैं लॉगरिथम वाली, जिसको लघु गणितीय भी कहते हैं, तो उनको भी सॉल्व कर लेता था। ये डिफरेंस इंजन था, 1820 में बनाया गया था, चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था, ये भाप से चलता था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। तो इसे देख लो ऐसा दिखता है डिफरेंस इंजन। अब हम बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन ये 10 साल बाद 1830 में बनाया गया था, वो 1820 में बनाया गया था। ये कैलकुलेटिंग मशीन थी जो डेवलप की गई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा, एनालिटिकल इंजन। इट वॉज ए मैकेनिकल कंप्यूटर, ये जो है मैकेनिकल कंप्यूटर, ये भी था मैकेनिकल कंप्यूटर, ऊपर वाला भी था, ठीक है। इसमें देखिए खास बात यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में ये है कि इसमें पंच कार्ड जो है इनपुट के तौर पर यूज हुए। पंच कार्ड क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये पंच की सहायता से एक मेमोरी बनाई जाती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था, पुराने जमाने की बात है। तो पंच कार्ड इसमें यूज किया गया था एनालिटिकल इंजन में। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग हुआ था 1801 में, जब वो फ्रांस वाला, ठीक है, बिजनेसमैन जुला वाला, और दूसरी बार उपयोग हुआ एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का, ठीक है। तो ये बनाया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1830 में, मैकेनिकल कंप्यूटर था। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी, देखिए इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जा सकता था परमानेंट मेमोरी के तौर पर, जिस क्योंकि यहाँ पे पंच कार्ड का उपयोग हुआ था जो कि एक खुद में एक मेमोरी है। चलिए इतना मान लिया, मजरा निपट गया। अब यहाँ पे 1830 तरफ हम पहुँच गए थे जहाँ पे एनालिटिकल इंजन बना था। अब हम आए हैं 1848 में। 1848 की बात की जाए तो लेडी एडा अगस्टा द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर,
देखिए क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि वर्ल्ड की जो पहला महिला प्रोग्रामर कौन रहा है, तो ये थे लेडा एडा अगस्ट, नहीं लेडी एडा अगस्टा 1848, ठीक है, एन इंग्लिश इंग्लिश मैथमेटिशियन, और स्टेप बाय स्टेप बर्नौली, हाँ, बाइनरी नंबर सिस्टम का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में मतलब आविष्कार करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, ध्यान रहा जाए रखा जाए यहाँ पे कि श्रेय किसे दिया जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा, क्योंकि ये जो है पहले प्रोग्रामर थी इसलिए इनको श्रेय दिया जाता है, सिर्फ श्रेय ध्यान दिया जाए श्रेय। अच्छा फिर बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किसने किया, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है आगे पता चलेगा, तो अभी बस इतना समझ लो बाइनरी नंबर सिस्टम का श्रेय जो है लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है, जबकि सही में जो इसने आविष्कार किया बाइनरी नंबर सिस्टम का वो थे गॉटफ्राइड विलियम लिबनिज। ये कौन थे मैं आपको बता दूं, ये ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ यदि आपने ध्यान दिया हो, ये वाले थे, ठीक है, ये वाले 1673 वाले। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, टैबुलेटर टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन आ जाते हैं 1890 में, इट वाज इन्वेंटेड इन 1890। ये दरअसल आदमी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही आदमी नहीं है, क्योंकि ये है बात 1848 की, वो था 1673 का, तो 150 साल कैसे जिंदा रह सकता है, हाँ तो बात वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टैबुलेटिंग मशीन में, इट वाज इन्वेंटेड इन 1890, ये जो है टैबलेटिंग मशीन 1890 में बनाई गई थी, 1890 में, ठीक है, बाई हरमन होलरिथ, किसके द्वारा बनाई गई थी टैबलेटिंग मशीन, ये बनाई गई थी हरमन होलरिथ के द्वारा, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, ये जो है अमेरिका के सांख्यिकी, मतलब जैसे ना कि डाटा एनालिसिस करना इस टाइप के काम करते थे, हरमन होलरिथ ने बनाई थी 1890 में टैबलेटिंग मशीन, इट वॉज ए मैकेनिकल टैबुलेटर, ये मैकेनिकल टैबुलेटर था। देखिए इसमें भी पंच कार्ड लगाया गया है मेमोरी के लिए, इट कुड टैबुलेट स्टैटिक्स, ये जो है सांख्यिकी मतलब जैसे गणना वाला, मतलब बड़ी बड़ी टेबल चार्ट उनका एनालिसिस करना, स्टैटिक्स का पता लगाना, ये सारा काम इसमें होता था टैबुलेट साइट्रिट, चूंकि ये काम ही ऐसा करते थे तो भी वैसी टाइप का मशीन भी बनाया रहा है, तो टैबुलेट स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड और शॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन, ये जो है डेटा को शॉर्ट करना, जैसे छांटो कि ये डेटा मतलब जैसे नहीं आजकल होता है कि शॉर्ट कर लो डेटा का, उस तरह से इसमें काम हो जाता था कि ए नाम से निकाल दो ऐसे। दिस मशीन वाज यूज्ड इन द 1890 यूएस सेंसस, यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब 1890 में ये जब आविष्कार हुआ रहा है तो इस मशीन का जो उपयोग किया गया था यूएस की जनगणना में 1890 में, और यूएस जो है आजाद हुआ था 1776 तरफ। होलरिथ आल्सो स्टार्टेड द होलरिथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकेम इंटर, हाँ देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि होलरिथ ने जो यहाँ पे स्टार्ट किया रहा है होलरिथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, ये जो है आगे चलकर बनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, जिसको आज आप जानते हो बड़ी बड़ी जो मतलब सुपर कंप्यूटर बनाती है और काफी बड़े बड़े काम होते हैं टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में, तो IBM कंपनी जिसको आप अक्सर तो सुनते होंगे, बहुत सारी चीजें अब तो बनाती है, तो 1924 में यही जो होलरिथ की टैबलेटिंग मशीन कंपनी थी यही आगे चलकर 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी 1924 में, और 1890 में बनाया था इन्होंने टैबलेटिंग मशीन, ये सांख्यिकी स्टैटिक्स के लिए बनाया गया था। अब आयो आ जाओ डिफरेंशियल एनालाइजर पे, डिफरेंशियल एनालाइजर कह रहा है, डिफरेंशियल एनालाइजर का जो आविष्कार था वो 1930 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया था, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था डिफरेंशियल एनालाइजर, इंट्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930, इट वाज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वेनेवर बस, वेनेवर बस के द्वारा जो है ये डिजाइन, वेनेवर बस के द्वारा जो है ये आविष्कार किया गया था, ये एक एनालॉग डिवाइस था, ठीक है, एनालॉग डिवाइस क्या होता है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ एपिसोड फर्स्ट ही में, ठीक है, और इन्वेंट किसने किया था वेनेवर बस ने। दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब्स, ध्यान दिया जाए यहाँ पे इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब लगे रहा है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मतलब हवा जिसके अंदर भरी हो वो वैक्यूम ट्यूब्स होता है, जैसे आपके बल्ब ले लो, ठीक है, जिसके अंदर वो सफ़ेद वाली जो लाइट होती है ना अपने राड देखी होंगी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल किया जाता था 1955 तक।
हाँ, तो दिस मशीन वॉज हैज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्विच करने के लिए एक से दूसरे में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। इट कुड डू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में 25 कैलकुलेशन को ये कर लेता था, ऐसा दिखता था, देख लियो शक्ल। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर की हिस्ट्री हुई खत्म, मतलब अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी बची हुई है। ठीक है, अभी बची है। हाँ, 1936 में आ जाओ, 1930 में बना वो क्या था, 1930 में डिफरेंशियल एनालाइजर बना। अब आ जाओ 1936 में, एलन ट्यूरिंग आदमी का नाम है कोई, हैड एन आइडिया फॉर ए यूनिवर्सल मशीन, के पास एक आइडिया आया यूनिवर्सल मशीन बनाने का, विच ही कॉल्ड द ट्यूरिंग मशीन, जिसको उन्होंने कहा ट्यूरिंग मशीन, दैट कुड कंप्यूट एनीथिंग दैट कुड बी कंप्यूटेड, जो कुछ भी गणना कर सकती थी, जो कुछ भी गणना करवाई जा सकती थी, ये यही कह रहे हैं। ठीक है, दैट कुड कंप्यूट एनीथिंग दैट कुड बी कंप्यूटेड, यानी कि इन्होंने मतलब ऐसा एक यूनिवर्सल मशीन बनाने का जुगाड़ सोचा कि जो हर कुछ गणना, सब कुछ गणना कर ले। तो जिसको इन्होंने मतलब आइडिया एक आया है, ठीक है, अभी आइडिया आया, अभी इसको हकीकत में नहीं बनाया है, तो जिसको इन्होंने नाम दिया ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, एलन ट्यूरिंग का आइडिया आया 1936 में। अब आ जाओ 1941 में, अभी कंप्यूटर का इतिहास खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, 1941 आ गया, फिर 1941 में क्या हुआ, कोनराड ज्यूस, अ जर्मन इन्वेंटर एंड इंजीनियर, एक जर्मनी के जो है इंजीनियर और आविष्कारक, कंप्लीटेड हिज Z3 मशीन, इन्होंने अपना Z3 मशीन कंप्लीट किया बना करके, जो था द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, जो वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। हाउएवर दिस मशीन वॉज डिस्ट्रॉइंग ड्यूरिंग अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड बॉम्बिंग स्ट्राइक ऑन बर्लिन। जैसा कि आपको पता रहा है, जैसा कि आपको पता होगा कि 1941 में जब इन्होंने बनाया Z3 मशीन, जो पहला दुनिया का डिजिटल कंप्यूटर था, उन्होंने बना के तैयार तो कर लिया, लेकिन किस्मत खराब रहा है, उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो बर्लिन पे, जैसा कि आपको पता हो, जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, तो पोलैंड ने भी इधर आक्रमण किया, उसी समय जर्मनी में पड़ता है बर्लिन, एक शहर है, ठीक है, पूरब की तरफ, तो उस पे जब आक्रमण हुआ तो वहां पे जो है ये नष्ट कर दिया गया, और फाइनली ये दुनिया के सामने फैल ही नहीं पाया, बस आविष्कार हुआ और काम खत्म। तो ये था 1941 में बनाया गया था कोनराड ज्यूस के द्वारा, Z3 मशीन थी, पहला दुनिया का डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये चल ना सका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बॉम्ब स्ट्राइक में, बर्लिन पे खत्म कर दिया गया। अब आ जाओ 1942 में, अभी तक कहां थे, 1941 में थे, हाँ, अब आ जाओ 1942 में, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, जिसको हम ABC भी कहते हैं, ठीक है, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये जो है पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ध्यान दिया जाए, ये जो था ये पहला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, जबकि ये था फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, शब्दों पर ध्यान दिया जाए, एंड वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स, और पहली ऐसी मशीन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इन्वेंटेड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क लीनियर इक्वेशन इन 1942, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 1942 में अटाना साहब बेरी कंप्यूटर बनाया गया, कंप्यूटर का नाम है। तो कौन सी गणना करता था, लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, इस टाइप की इक्वेशन। J.B. अटाना साहब एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी डिवाइस मैंने आविष्कार किया कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग 29 इक्वेशन 29 इक्वेशन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर 29 इक्वेशन को सॉल्व कर देता रहा है। द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा इन इट्स प्राइमरी मेमोरी, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए, 1942 में जो अटाना साहब बेरी कंप्यूटर था, ये जो पहला बार ऐसा हुआ था इतिहास में कंप्यूटर के कि इसमें पहली बार प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर किया गया। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या मेमोरी होती है आगे आपको पता चलेगा, अभी बस इतना याद रखो कि प्राइमरी मेमोरी में अभी तक पंच कार्ड चलता था बड़ा, अपने मैंने आपको जैसे कि बताया, लेकिन अब पहली बार प्राइमरी मेमोरी में डेटा को स्टोर किया गया। आ जाओ 1937 में, और चूंकि देखिए आप कहोगे 1937 में पिछला पहले कैसे जा रहे, तो पहले नहीं जा रहे, दरअसल 1937 का आइडिया रहा है जो 1944 में बनकर तैयार हुआ था, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये
आ जाओ मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। इन द ईयर 1937 मेजर चेंज बिगेन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स व्हेन हॉवर्ड एकन प्लान टू डेवलप ए मशीन दैट कुड परफॉर्म लार्ज कैलकुलेशन आर कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स ऑटोमेटिकली। तो जब 1937 की तरह मतलब तबाही का एकदम था कि हाँ मतलब बनिए यूनिवर्सल कंप्यूटर जैसा कि एलन ट्यूरिंग के दिमाग में आ रहा है, तो हॉवर्ड एकन ने प्लान किया कि डेवलप करें एक ऐसी मशीन जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दे, उसी के लिए मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया रहा है। इन द ईयर 1944 में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट एज ए पार्टनरशिप बिटवीन आईबीएम एंड हार्वर्ड। हार्वर्ड और आईबीएम के बीच पार्टनरशिप के चलते हुए मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया। इट वाज आल्सो द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। सवाल यहां से बन सकता है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट रहा है। मार्किंग अ न्यू एरा इन द वर्ल्ड कंप्यूटर वर्ल्ड, एक नए युग का शुरुआत हुआ कंप्यूटर के दुनिया में। फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुल्ली परफॉर्म, अब देखिए यहाँ पे इसके देखिए एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है इतिहास में जितनी बार आ चुके हैं वो यहाँ पे देख लीजिए मार्क फर्स्ट के लिए। ये देखिए इसके लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली मशीन टू सक्सेसफुल्ली परफॉर्म अ लॉन्ग सर्विस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। फर्स्ट मशीन जो थी टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सर्विस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली, अर्थमेटिक एंड अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं को जो है करने वाली पहली मशीन थी सक्सेसफुल्ली। हॉवर्ड एकिन आईबीएम डिजाइन द मार्क फर्स्ट, जैसा कि आईबीएम और हॉवर्ड के बीच पार्टनरशिप के चलते हुए मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था रहा है। द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला जो है ऑपरेशनल जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था हॉवर्ड एकिन, ठीक है। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन द एस्क ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर वाज बिल्ट फ्रॉम स्विचेस रिलेज रोटेटिंग शाफ्ट्स एंड क्लचेस। तो इसमें जो है इसका उपयोग किया गया था एस्क का, ASCII। ये क्या होता है आपको आगे पता चलेगा, अभी यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है, लेकिन आप इतना बस समझ लीजिए कि इसकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में ASCII का उपयोग किया गया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर का। नोट, तो यहाँ पे नोट के बारे में देखिए कुछ बताया जा रहा है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर आर दोज, जनरल कंप्यूटर पर्पज कंप्यूटर वे होते हैं दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेज सिंपली बाय चेंजिंग इट्स प्रोग्राम, जो सिर्फ इसके प्रोग्राम को चेंज करने पर अच्छे मतलब एडॉप्ट कर लेते हैं काउंटलेस, ठीक है। और इनियाक की तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनियाक की 1945 आ गया पहले, देखिए मार्क फर्स्ट बना 1944 में, इसकी जो अच्छी अच्छी बातें थी जो आ सकती हैं वो मैंने आपको बताई। अब बना है इनियाक 1945 में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एकेडमिक जॉन माकले एंड जे पिस्कर एकर्ड, इन्होंने बनाया था क्रिएट एनियाक, बनाया था एनियाक 1945 में। इसका फुल फॉर्म आ जाता है कई बार, एनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वाज ट्यूरिंग कंप्लीट एंड कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ वास्ट क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में आती है उनको सॉल्व कर पाता था ये जो है, ठीक है। बाय रिप्रोग्रामिंग, इसमें रिप्रोग्रामिंग भी की जा सकती थी। अर्निंग इट द टाइटल ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रैंड फादर्स ऑफ कंप्यूटर का इसको टाइटल मिला है इनियाक को। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर रहा है। बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया गया इनियाक 1945 में बना रहा है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर, तो मतलब द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इनियाक, वुमेन प्रोग्रामर मैनुअली प्रोग्राम द इनियाक बाय सेटिंग स्विचेस एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये भी जो है एमसीक्यू का पार्ट है लेकिन यहाँ पे आंसर के रूप में दिया जा चुका है, तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। एमसीक्यू यहाँ पे नहीं दिया लेकिन ये आंसर यहाँ पे रखा गया इसका। ब्लॉक एंड लॉजिक डायग्राम प्रोग्रामर आर यूज्ड टू प्रोग्राम द एनियाक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक एंड लॉजिक डायग्राम को यूज करके मतलब कहाँ पे यूज हुआ किस कंप्यूटर में एनियाक। एनियाक का वेट 30 टन रहा है। आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स डिड द एनियाक, आर्टिलरी फायर जो आर्मी के लिए कैलकुलेशन होती है उसके लिए आर्टिलरी फायरिंग टेबल का उपयोग यहाँ पे किया गया है एनियाक के द्वारा, ठीक है। एनियाक कैन डू वेदर कैलकुलेशन, मौसम के बारे में कैलकुलेशन करना एनियाक कर सकता था। कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बाइनरी कैलकुलेशन,
बाइनरी कैलकुलेशन का आइडिया कंप्यूटर जो दोस्तों आइडिया बाइनरी कैलकुलेशन का जो आइडिया जिनके पास था वो कंप्यूटर के यहाँ पे नाम दिए गए हैं Z1, ENIAC, EDSAC, ये MCQ का पार्ट है, इसे नहीं रख दिया गया है। तो एडवैक का बात कर लेते हैं, उसके बाद आया एडवैक। एडवैक तो अभी देखिए कंप्यूटर ही चल रहा है, ठीक है। एडवैक उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक, इसका देखिए फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इट वाज बिल्ट बाय मूरे स्कूल, हाँ इट वाज बिल्ड बाय मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेनिस। देखिए वो ये भी वही जगह से बना हुआ है जहाँ से ENIAC बना हुआ, वहीं से EDSAC बना हुआ है। पेंसिल्वानिया, ठीक है। एलॉन्ग विद ओडवैक इट वाज ए सक्सेसर, ये देखिए ENIAC के बाद बना हुआ इसलिए यहाँ पे लिखा है ये सक्सेसर था काय का, ENIAC का, एडवैक, ठीक है एडवैक। अनलाइक ENIAC इट वाज बाइनरी रेदर देन डेसिमल, देखिए ये जो था बाइनरी बेस्ड था ना कि डेसिमल, जबकि ENIAC में जो था वो डेसिमल, हाँ उसमें जो था डेसिमल यूज हुआ था। एंड वाज डिजाइन टू बी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूज टू स्टोर इन प्रोग्राम, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो यूज जिसका प्रयोग किया जाता था प्रोग्राम को स्टोर कराने में। EDSAC वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, EDSAC जो था वो अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। UNIVAC आ गया है 1946 में, UNIVAC फर्स्ट भी इसको कहते हैं। UNIVAC में जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड इन द यूएसएस फॉर इनकॉर्पोरेट एप्लीकेशन। ध्यान दिया जाए UNIVAC का, खास तौर पर यदि आपको MCQ में यही पूछा जाता है कि इसका जो है बिजनेस के लिए प्रयोग पहली बार UNIVAC का किया गया रहा है। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर कॉर्पोरेट कैलकुलेशन, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब यही है कि बिजनेस। द UNIVAC वॉज डिजाइन बाई जॉन मार्कली एंड जे प्रिस्कर एकर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया रहा है। द यूज ऑफ UNIVAC फर्स्ट वॉज टू कैलकुलेट सेल्स रिकॉर्ड कंपनी पेरोल, देखिए वही बात आ गई, रिकॉर्ड कंपनी पेरोल एंड अदर कंपनी बिजनेसेस। इट कुड परफॉर्म 90,000 ट्रांजेक्शन पर मंथ परफॉर्म कर सकता था। इन मार्च 1951 द फर्स्ट UNIVAC वॉज एक्सेप्टेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो, 1951 में UNIVAC जो है जनगणना के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में प्रयोग हुआ। UNIVAC फर्स्ट इज कंसिडर द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाइल ट्रेडिशनल पोल्स प्रेडिक्टेड द डिफेक्ट ऑफ आइंस। देखिए यहाँ पे एक खास बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो है UNIVAC जो फर्स्ट था इसको पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है यूनाइटेड स्टेट में। इसने देखिए पोल भी मतलब भविष्यवाणी की थी कि जो है उस समय के जो कोई भी होगा Eisenhower जो भी होगा उसका भविष्यवाणी की थी कि ये हार जाएगा, तो वो भी देखिए सही निकली गई थी UNIVAC के द्वारा ही की गई थी। द UNIVAC वॉज करेक्ट इन प्रेडिक्टिंग द हिज विक्ट्री इन द, नहीं ये नहीं उसने भविष्यवाणी की थी कि वो हार जाएगा, उसका उसने जो हारेगा उसकी भविष्यवाणी की थी, जो उसका नाम था Eisenhower, ठीक है। तो UNIVAC वॉज करेक्ट इन प्रेडिक्टिंग, UNIVAC जो था भविष्यवाणी करने में सही निकला। द विक्ट्री ऑफ द US प्रेसिडेंसी का चुनाव चल रहा है उस समय और 1952 की बात है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर UNIVAC जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया गया था। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में इसका थोड़ा लोचा है, मतलब गूगल पे डेटा थोड़ा है उधर उधर पड़ा हुआ है, तो इसमें तीन चीज़ें मतलब दिमाग को कन्फ्यूज कर देती हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही मतलब कंप्लीट मतलब गलत तरह डेटा पड़ा हुआ है। तो उसमें देखिए तीन चीज़ें जो बता रहा है गूगल का आर्टिकल कि AMCC ने बनाया मैन्युफैक्चर किया है, कोई बताता है रेमिंगटन रैंड ने किया है, कोई बताता है GEC कंपनी ने किया है। तो ये तीनों चीज़ें पकड़ लो और MCQ में जो भी आ जाए उसको मार दो। कंपनी इन 1951-1954, ठीक है। अब आ जाओ 1954 में बना EDSAC कंप्यूटर, EDSAC का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं बताऊँगा वो आपका ये जो CCC एडवांस एग्जाम होता है इसमें तो कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको आज तक का भी पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक को यदि आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करें। तो ये 1900 हालांकि आएगा कभी नहीं, ठीक है, लेकिन काम है अपना बताना तो आपको सारा कुछ बता देता हूँ। तो 1949 में फिर उसके बाद बना EDSAC, और ये काफ़ी लंबा एक तरीके से यहाँ पे जो है
ये 2000 आज तक का पूरा दिया गया है। यदि देखिए अब यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको, ठीक है ना, तो ये आपका आने वाला है, लेकिन फिर भी चूंकि जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं तो उसमें आ सकता है। लेकिन यदि आपको यदि इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो जितना आने वाला था उतना तो मैंने करवा दिया। यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो इस बुक को आपको परचेज कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। और ये 2000 से देखिए पूरा मैंने सिर्फ आपको अभी 1950 तक बताया, जबकि जो किताब में है वो मैंने 2016 तक का पूरा लिख डाला है, तो उसको चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है, पूरा है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो मॉडर्न कंप्यूटर का वो प्रपोज किया किसके द्वारा किया गया, एलन ट्यूरिंग के द्वारा, मॉडर्न कंप्यूटर का प्रिंसिपल, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। स्टीव जॉब्स नहीं, एडम ऑप्शन नहीं, चार्ल्स बेबन नहीं, एलन ट्यूरिंग। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज इन 1981, 1981 में पहला ऐसा कंप्यूटर जो होम यूज घरेलू काम के लिए कौन सा बनाया गया रहा है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया रहा है, तो IBM द्वारा मेड द फर्स्ट होम यूज पर्सनल कंप्यूटर घरेलू काम के लिए IBM द्वारा बनाया गया रहा है 1981 में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तृतीय जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेते हैं, तो फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान, MCQ टाइप क्वेश्चन। मैं लास्ट में जाते जाते ये आपको फिर बता दूं कि जो है मैंने आपको जितनी भी चीज़ें आपकी जरूरी लायक थी 1950 तक, यहीं तक आता भी है, वो मैंने आपको बता दी। यदि आपको 2016 तक का पूरा अप टू डेट रही हुए है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो बुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप परचेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जितना ज़्यादा हो उतना वीडियो को शेयर करें।